एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहार के पत्रकारों का क्या कहता है महासर्वे बड़ा ओपिनियन पोल। बिहार की 243 सीटों में से इस बार किसकी बनने जा रही सरकार, क्या गठबंधन होगा तो होता है तो किसके साथ किसका होता है और इस गठबंधन को कितनी सीटें जा सकती हैं आपको बताएंगे, एक एक पार्टी की आपको जानकारी देंगे किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और सर्वे आपको दिखाते हैं, पीएम मोदी का अब तक का काम कैसा रहा है बिहार के लिए। देखिए बहुत अच्छा कहने वाले 27%, अच्छा कहने वाले 36% हैं, तो औसतन जो कार्य कहते हैं वो 21 है, खराब कहने वाले 11%, बहुत खराब कहने वाले 3% लोग आते हैं। 5 सालों में नीतीश कुमार का कार्यकाल कैसा रहा है, उनके काम से लोग कितने संतुष्ट है, देखिए इस पर सर्वे आया है। बहुत अच्छा कहने वाले 27 है, अच्छा कहने वाले 39 है, औसतन जो आंकड़ा है वो 21 है और खराब कहने वाले 10%, बहुत खराब कहने वाले 2% लोग यहां से आते हैं। इसके अलावा बीजेपी पर भी सर्वे किया गया है, बीजेपी क्या अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो कौन वो चेहरा होगा, क्या बीजेपी चेहरे को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है तो उसको कितना फायदा होगा। देखिए सीएम उम्मीदवार अगर बीजेपी उतारती है, अगर गठबंधन में नहीं लड़ती है तब ये सर्वे है, यहाँ पर 53% लोग मारते हैं कि बीजेपी को इससे फायदा होगा। और मोदी जी का चेहरा, मोदी जी के जो काम है उनके चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो 35% फायदा होगा और लोग कहते हैं पता नहीं ऐसे 12% लोग यहां से आते हैं। अब बात करते हैं बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। देखिए आरक्षण, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, ये कुछ बड़े मुद्दे यहां पर हो सकते हैं जिनमें प्रशासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बलात्कार या अन्य मुद्दे यहां पर शामिल बिहार में हो सकते हैं। अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के आंकड़े दिखा दें तो जेडीयू जो है 71 सीटें, तो यहां पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी 80 सीटों के साथ, कांग्रेस 27, तो बीजेपी जो है 53 सीटें बिहार में अपने दम पर लाए। लेकिन गठबंधन में क्या तस्वीर बन सकती है एक एक पार्टी और आखिर में यूपीए एनडीए गठबंधन को कितनी सीट जा सकते हैं और किस गठबंधन को जो है आंकड़ा बहुमत का मिल सकता है 22 सीटों का, जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार यहां से आ जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है इस पर सर्वे देखिए आप, यहाँ पर 36% लोग मानते हैं एक बार फिर से नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन 44% यहाँ पर तेजस्वी यादव को लोग यहाँ पर मानते हैं, जबकि सुशील मोदी बीजेपी की तरफ से 9% आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2021 में सबसे अच्छा गठबंधन कौन सा हो सकता है, देखिए कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन जो है उसको 68% लोग मानते हैं कि ये गठबंधन सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच सकता है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए किस पार्टी कितनी सीटें जा सकती है, देखिए अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 55 सीटें ला सकती है अपने दम पर अगर गठबंधन नहीं करती है, ये अकेले दम पर अगर चुनाव लड़ते हैं तब ये आंकड़े हैं, यूपीए एनडीए के आंकड़े आपको आगे दिखाने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 30 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी को जा सकती हैं, यहां पर अगर बात करें जेडीयू के लिए तो 45 सीटें यहां पर आ रही हैं और यहां पर अन्य की बात करें जिनमें सीपीआई, वाम दल 7 सीटें, हम पार्टी के लिए यहां पर 3 सीटें आ सकती हैं, इसके अलावा बीआईपी पार्टी जो है उसके लिए 2 सीटें, यहां पर एलजेपी, क्योंकि एलजेपी जो है अब दावा कर रही है कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में होगी, अगर अकेले चुनावी मैदान में होती है तब जाके उनको 8 सीटें यहां पर प्राप्त हो सकती हैं। अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए अगर आंकड़े दिखाएं तो एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें, देखिए एनडीए गठबंधन को 113 सीटें यहां पर आ सकती हैं, ये यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। और महागठबंधन जिसमें 4-5 जो दल हैं, 4-5 जो पार्टी हैं, वो अगर गठबंधन में आ जाती हैं तब जाकर जो है यूपीए गठबंधन बिहार में एक बार फिर से सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है। 135 सीटें इस गठबंधन, जो कि यहां पर तेजस्वी यादव का गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ होता है या अन्य दल के साथ होता है, 135 सीटें इस गठबंधन को जा सकती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस पार्टी कितनी सीटें जा सकती हैं और किस पार्टी के गठबंधन को यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े मिलेंगे, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए कि आपके अनुसार बिहार में इस बार किसकी सरकार और कितनी सीटें किस पार्टी को जाएंगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।